हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है चिरंजीत, आप लोग देख रहे हैं एडिटर्स सी। एडिटर्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोग को सिखाऊंगा मॉडी डार्क ब्लू फोटो एडिटिंग। तो इस कमाल के वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देख लाइक। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं ऐसे एडिटिंग के रिलेटेड ट्यूटोरियल वीडियो आप लोगों के लिए देते रहता हूँ। जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर में फॉलो नहीं किया, वो भी कर ले, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट स्टार्ट। सो गाइज, मैं यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर जो है फोटो को ऐड कर लिया है। ये देख सकते हो, ये रहा फोटो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लाइट को एडजस्टमेंट करेंगे थोड़ा वगैरह। तो सो लाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारा टूल है, आप देख सकते हो। एक्सपोजर है, कॉन्ट्रास्ट है, हाईलाइट है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। ट्वेल्व के आसपास इसका जो कॉन्ट्रास्ट जो है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है। प्लस 15 के आसपास, और जो इसका हाईलाइट है इसको भी थोड़ा सा प्लस करना है 11 के आसपास। और यहाँ पे नेक्स्ट है शेडोज, तो शेडो का क्या करना है, माइनस करना है थोड़ा सा, माइनस 10 शेडोज को। और उसके बाद है व्हाइट्स, तो व्हाइट्स को मैं तकरीबन रखूँगा 50 के आसपास रखूँगा व्हाइट्स को। और इसका जो ब्लैक्स जो है मैं इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा। माइनस 29 के आसपास यहाँ पे जो लाइट का एडजस्टमेंट है यहाँ पे हो चुकी है, अब देख सकते हो बिफोर आफ्टर। उसके बाद सिंपली जाएंगे यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे। उसके बाद सिंपली इसका जो वाइब्रेंस जो है इसको इंक्रीज करना है। यहाँ पे वाइब्रेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है। आप इसको रख सकते हो 30 के आसपास रखेंगे, मैं इसको रखूँगा 33 के आसपास। तो इसको आप 30 के अंडर रख सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे चला जाऊँगा मिक्स पैलेट टूल में, पहले का जो कलर है रेड उसको सिलेक्ट करके इसका ह्यू को बढ़ा लेंगे 30 के आसपास। उसके बाद सिचुएशन को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है, 30 के आसपास रख सकते हो। यहाँ पे मैंने इसको भी 30 कर लिया है सिचुएशन को। और इसका जो सिंपली लेमिनस को है इसको फुल कर देंगे यहाँ पे प्लस 100। उसके बाद नेक्स्ट कलर ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, माइनस का लेना है ह्यू को 30 के आसपास। इसको सेचुरेशन को थोड़ा सा प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कलर है पॉपअप हो रहा है, तो मैं इसको रखूँगा 35 के आसपास। और इसका सिंपली मैं ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए, फेस को व्हाइट करने के लिए सिंपली यहाँ पे यूज़ करूँगा लेमिनस को 54 के आसपास। सिंपली येलो कलर में जाना है नेक्स्ट कलर, बिल्कुल माइनस 100 ह्यू को, सिचुएशन को भी माइनस 100। यहाँ पे देख सकते हो डार्क हो गया है बैकग्राउंड। और इसको लाइट अप करने के लिए सिंपली लेमनस का यूज़ कर सकते हो 25 के आसपास। तो माइनस करोगे तो डार्क लगेगा, तो मैं थोड़ा सा व्हाइट चाहता हूँ, तो मैं इसको 25 के राउंड रख लूँगा 25 के आसपास। फिर जाऊँगा ग्रीन वाले टूल में, ह्यू को बिल्कुल 100 माइनस। उसके बाद सिचुएशन को भी माइनस 100 फुल, एक बार करके देख लेना है फुल। तो आप थोड़ा वगैरह कम रख सकते हो, तो मैं इसको 100 ही रखूँगा माइनस। उसके बाद सिंपली मैं थोड़ा सा लिमिनस का यूज़ करूँगा 15 के आसपास। सिंपली जाऊँगा यहाँ पे एक्वा कलर में, ह्यू को बिल्कुल माइनस 100। और सिचुएशन को थोड़ा सा माइनस करेंगे 20 के आसपास। और यहाँ पे लिमिनस को भी थोड़ा सा माइनस कर लेंगे यहाँ पे 6 के आसपास। उसके बाद जाएंगे सिंपली यहाँ पे ब्लू कलर में, थोड़ा सा ब्लू टोन देंगे, तो मैं इसका ब्लू फुल कर लूँगा बिल्कुल माइनस, ह्यू को बिल्कुल माइनस 100 और सेचुरेशन को भी माइनस 100। तो बहुत सारा कलर लग रहा है ये फोटो में, तो इसको मैं बिल्कुल हटा लूँगा। तो 100 करने से ये देख सकते हो कलर जो है घट जाएगा, तो इसको बिल्कुल 100 कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हो टी शर्ट जो है थोड़ा सा डार्क हो चुका है, तो सिंपली इसको हटाने के लिए सिंपली लेमनस का यूज़ करेंगे। तो इसको मैं तकरीबन रखूँगा 33 के आसपास। उसके बाद सिंपली इस कलर में पर्पल कलर में जाना है, इसको रखूँगा मैं 48 के आसपास। और सिचुएशन को माइनस कर लूँगा थोड़ा सा 22 के आसपास। डन करेंगे यहाँ पे, फिर जाएंगे इफेक्ट वाले टूल में,
भिगिन को पहले दे देंगे 43 के आसपास, उसके बाद टिक्सार को थोड़ा सा बढ़ाएंगे 8 के आसपास, और क्लेरिटी को थोड़ा सा कम -10। उसके बाद फिर से जाना है लाइट वाला ऑप्शन पे यहाँ पे, उसके बाद टेम्परेचर में इसका जो लाइट है मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को और बढ़ा लेता हूँ 21 के आसपास, 21 को बढ़ा लिया है 21 तक। उसके बाद कार्व में जाना है, पहले व्हाइट कलर को सिलेक्ट करके कुछ इस टाइप से एक बार टच कर लेना है, तो मैं इस साइड रखूँगा और इसको थोड़ा सा डाउन कर लूँगा। उसके बाद रेड कलर को सिलेक्ट करना है, सिंपली आप क्लिक करना है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से जो है कर लेना है। उसके बाद ब्लू कलर पे जाना है, ब्लू कलर का भी सिंपली कुछ इस टाइप से कर लेना है आपको, चार या पांच बना सकते हैं यहाँ पे। ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा इस साइड रखूँगा और यहाँ पे एक बना लेंगे, इसको भी थोड़ा सा डाउन करेंगे, उसके बाद ऊपर पे कर लेंगे ऊपर साइड, मैं इस साइड रखूँगा, उसके बाद यहाँ पे डन कर लेंगे। उसके बाद इसका व्हाइट जो है मैं थोड़ा सा कम करना चाहूँगा 34 के आसपास। उसके बाद फिर से इफेक्ट वाले टूल में जाना है, इसका भिगनेट मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा और 49 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे जाना है, इसका जो शार्पनिंग है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहूँगा 23 के आसपास। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से जाना इफेक्ट वाले टूल में, इसका जो मिड पॉइंट जो है इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा माइनस कर लेंगे 46 के अंदर। उसके बाद यहाँ पे जो राउंडनेस जो है इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, तो मैं इसको रखूँगा 6 या 4 के आसपास, तो इसको मैंने 3 का लिया है। उसके बाद ये यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा फिदर का, फिदर को आपको करना है तकरीबन 57 के आसपास, तो सिंपली यहाँ पे इस इमेज को सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव डिवाइस कर लेंगे, तो थोड़ा सा लोडिंग प्रोसेस होने के बाद ये फोटो जो है आपका गैलरी में सेव हो जाएगा और यहाँ पे ओके कर लेंगे, तो ये फोटो जो है आपका गैलरी में सेव हो जाएगा। आपको अगर एडिटिंग करते हुए कोई भी प्रॉब्लम हो, ये एडिटिंग जो है थोड़ा सा हार्ड है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं एक प्रीसेट का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से प्रीसेट को डाउनलोड करके एडिटिंग कर सकते हो। और मिलता रहे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।